हेलो बड़ी प्रगति यार, एंड दिस वीडियो इज अबाउट गावठी कुमड़ी। तो आज मैं अभी मेरे नेटिव प्लेस आया हूँ और अभी हम लोग आज गावठी कुमड़ी पकाने वाले हैं। तो जनरली जो हम लोग मुंबई में कुमड़ी खाते हैं वो इधर बॉयलर होती है, नहीं तो जो गावठी के नाम पे बेचती है वो भी एक तरह का बॉयलर ही है। ओके, मतलब असली गावठी कुमड़ी हम लोग खाते ही नहीं है। असली गावठी कुमड़ी बहुत रेयरली मिलती है तो बहुत महंगी मिलती है। तो अभी मैं गांव में आया हूँ, तो ये गांव का गावठी कुमड़ी है। तो अभी हम लोग इसको मस्त करके पकाने वाले हैं। तो विजय इज हियर, तो वो इसको भी काटने में मदद करेगा एंड देन रुपेश की मम्मी इसको पकाएगी। तो अभी ये कुमड़ी अभी डेड हो गई है। ओके, तो अभी इसको गर्म पानी में मस्त करके भिगोना है पहले। तो अभी तो आप देख सकते हो उसके पर पहले ही निकलना स्टार्ट हो गए। ओके, तो इसके लिए इसको गर्म पानी में भिगोते हैं, क्योंकि फिर इसके पर भी निकाल सक पाते हैं और उसके बाद इसका चमड़ी भी निकाल पाते हैं। तो अभी विजय ने पर निकालना स्टार्ट कर दिया है। देखो, गर्म पानी की वजह से जल्दी जल्दी निकल आते हैं। तो अभी आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट पर निकल के हो गया है। वन गुड थिंग अबाउट गावठी कुमड़ी, इसका टेस्ट बहुत भारी लगता है। इफ़ यू लुक एट द कुमड़ी, इसका फ्लैश कम होता है बॉयलर से, बट आपको भी पता है कि बॉयलर में जो फ्लैश होता है वो कैसे बढ़ाते हैं और उसके अंदर केमिकल्स और पता नहीं क्या क्या यूज़ करते हैं। तो ये जो कुमड़ी है ये कम्प्लीटली नेचुरल है, तो ये कम्प्लीटली हेल्दी है आपके खाने के लिए। और विजय अभी इसको धो रहा है। तो अभी विजय ने इसको काटना स्टार्ट कर दिया है। इसके पैर पहले काट दिए। तो अभी ये कट लगा रहा है। ये तगड़ी और लंग्स के पीस काट चुका है। तो अभी ये बड़े बड़े कट मार के हो गए अभी। सो अभी अगर आपको गावठी चिकन पकाना है तो आपको गावठी मसाला यूज करना पड़ेगा, और जो भी मेन इंग्रेडिएंट है, स्पेशली मालवणी स्टाइल का जो चिकन बनाते हैं उसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है कोकोनट। तो अभी ये देख सकते हो कि दो टाइप के खोबरा है, एक तो ओला खोबरा है जो मतलब कोकोनट अभी छिला हुआ है तो उसका खोबरा है, और ये अभी सूखा खोबरा है। ओके, बाद में ऑब्वियसली कांदा तो रहेगा, बाद में लहसुन है यहाँ पे, और यहाँ पे ये सब गरम मसाला है, दालचीनी, लवंग। तो इसको पहले गरम करेंगे। ओके, पर उसके पहले हम लोग जो मुर्गी हम लोग ने काटी है तो उसके छोटे छोटे पीस कर लेते हैं। तो विजय ने भी पीस करना स्टार्ट कर दिया। देख सकते हो चूल में लकड़ी डाल दी है, ये पतीले के अंदर तेल ले लिया है, पहले कांदा और लहसुन डाल दिया है। तो अभी आप देख सकते हो कि जो गरम मसाला है वो हम लोग पतीले के अंदर गरम कर रहे हैं मस्त पे की। ओके, और ऐसे बैठ के चूल्हे के ऊपर खाना बनाने का अपना ही एक मजा है, मैं ऐसे खाना बनाना बहुत एंजॉय करता हूँ। तो अभी इसके अंदर खोबरा डाल रहे हैं, ओला और सूखा दोनों में। तो ये जो सूखा खोबरा है ना ये डालते हैं टेस्ट के लिए। तो अभी विजय ने इसके छोटे छोटे पीस कर दिए। अभी इसके अंदर मसाला और हल्दी डालने का टाइम आ गया। कौन सा मसाला है? चिकन मसाला। अभी ये चिकन मसाला डाल दिया। अभी थोड़ा हल्दी डाल रहा है। गावठी मसाला। और ये गावठी मसाला है। तो ये सब मसाले डाल दिए, अभी इसको ये मस्त मसाले लगा रहा है, बस टिकट और जिंदा ही धोने वाला है। ये भी नमक डाल रहा है। अभी ये मसाला लगा के हो गया है, तो अभी इसको अभी हम लोग ऐसे ही रखेंगे थोड़ा थोड़ा।
कुकर से निकाल के ले रहे हैं। ये लवंग, दालचीनी, इसको मस्त में गर्म कर। तो ये अलग अलग मिक्सर को लगानी पड़ती है, एक साथ नहीं लगाने का। छोटी छोटी चीजें है, इसकी वजह से ये गाउटी कुमड़ी को अलग ही टेस्ट आता है। ओके, सो स्मॉल स्मॉल टिप्स बट बहुत इम्पोर्टेंट है। मसाला तो अभी ये जो सूखा मसाला है, गरम मसाला, इसको अभी मिक्सर में लगाएंगे। अभी ये रेडी हो गया है। तो ये जो गरम मसाला है ये आपको शॉप में भी मिलता है। ओके, पर ये जो आप घर पे बनाते हैं तो उसकी वजह से अलग ही टेस्ट आता है। तो अभी ये ओला खोबरा और सूखा खोबरे का टाइम आ गया है, अभी इसको मिक्सर में लगाएंगे। इसके अंदर थोड़ा पहले पानी डाल देते हैं। तो भाई आप देख सकते हो ये जो ओला खोबरा और सूखा खोबरा का जो वाटअप है ये पूरी तरह से मिक्सर में रेडी हो गया है। सो अभी जो हम लोग का पूरा प्रिपरेशन है वो रेडी है। ओके, मतलब दोनों टाइप के मसाले रेडी है। ओके, चिकन को भी मसाला लगा के रेडी हो गया है। तो अभी हम लोग इसको पतीले में डाल के पकाना स्टार्ट करते हैं। सो अभी ये फोड़नी के लिए थोड़ा लहसुन और प्याज। तो भी आप देख सकते हो कि ऑयल और उसके अंदर कांदा और लहसुन डाल दिया है, अभी वो मस्त भी गर्म हो रहा है। इसके अंदर थोड़ा और गरम मसाला डाला है वो जो हम लोग ने मिक्सर में बनाया था, और अभी ये गाउटी मसाला डाला है 2 चम्मच, और ये तांबर पत्ता डालते हैं, और अभी इसके अंदर चिकन डाल देंगे। तो अभी ये गाउटी कुमड़ी की चिकन को मस के इसके अंदर पहले गरम करके ले रहे हैं। तो अभी इसको 5 मिनट ऐसे ही गरम होने के लिए रख देंगे। पानी हाँ, तो अभी इसके ऊपर जो पानी रखा था गरम होने के लिए वही पानी डाल दिया है इसके अंदर। तो अभी इसको थोड़ा गर्म करने के लिए रख देंगे, और उसके बाद इसके अंदर वाटअप डाल देंगे, जो ओला और सूखा खोबरे का वाटअप था ना वो डालेंगे। तो अभी इसके अंदर जो ओला और सूखा खोबरे का वाटअप था वो डाल रहे हैं। और इसको अभी एक 45 मिनट्स तक के लिए पकने के लिए रख देंगे। बॉयलर तो 20-25 मिनट में ही हो जाता है। ये गाउटी कोंबड़ी है, इसके लिए इसको 1.5 घंटा तो रखना पड़ता है, तो तभी ये पक के रेडी हो जाएगा। अब ये बस थोड़ा नमक डालना बाकी रह गया था तो नमक डाल दिया। तो अभी इसको 1.25 घंटे के लिए पकने के लिए रख देंगे। तो अभी ये 1.25 घंटे में ये चिकन है ये रेडी हो जाएगा, और उसके बाद मैं टेस्ट करके बताता हूँ आपको कि कैसा हुआ है। सो फाइनली चिकन इज रेडी। आप ये कलर देख सकते हो, पूरा का पूरा लाल का कलर आया हुआ है। तो ये थोड़ा मैंने अभी टेस्टिंग के लिए निकाला है। सो फाइनली ये गाउटी कुमड़ी का चिकन इज रेडी। ओके, तो अभी मैं थोड़ा इसको टेस्ट करके देखता हूँ। ओके, तो अभी ये जो रस्सा है इसमें थोड़ा डालता हूँ, और ऑसम, एक नंबर। नो, सबसे अच्छी बात क्या है गाउटी कुमड़ी की, इसका जो रस्सा है वो खतरनाक एकदम। और एक फोड़ खाता हूँ।
तो ये पूरी की पूरी डिश खानी है और राइस और सब कुछ खाना है। ओके सो अभी मैं खाना स्टार्ट कर देता हूँ एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक इट एंड शेयर इट। थैंक्स अ लॉट।